अलग रहना, अनकंटेस्टेड है। क्या आपको पता है मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ एक कंपनी उस पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करके रखती है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्लाइंट्स तक, कस्टमर्स तक पहुंचाने की। तो उसके अंदर वहां पे बेसिकली और कोई कॉम्पिटिटिव काम ही नहीं कर पाती। अगर इंडिया की बात करें तो ऐसी सिर्फ एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मोनोपोली अलाउड है, वो है इंडियन रेलवे। जी हाँ, इंडियन रेलवे एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सिर्फ रेलवे को ही अधिकार है ट्रेन चलाने का, चाहे वो गुड्स की हो या पैसेंजर की। सो अगर कोई कंपनी इतनी पावरफुल है तो ऑब्वियसली हर इंसान उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नेवर इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो करते हैं इन्वेस्टमेंट रेलवे रिलेटेड कंपनीज में। ऐसा ही एक शेयर होता है आरवाईएन का, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आरवीएन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कंपनी 2003 में रेलवे ने स्टार्ट की थी। ये उन्हीं की एक सब्सिडियरी है लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आप इसके शेयर्स बाय कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग 2003 में हुई थी। अब से देखिए अब तक इसका जो मेन बिजनेस एरिया है वो है रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, डबल लाइन का काम, रेलवे के स्टेशन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, रेलवे की लाइन्स को बिछाना, ये सारे काम आरवी रेल करती है। इंडिया में तो ये ऑलरेडी काफी बड़े हैं, ओवरसीज कंट्रीज के अंदर भी आरवी रेल को थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट मेजोरिटी में इनका काम इंडिया में होता है और अभी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम आरवी रेल के शेयर की बात करें तो 2019 में ये शेयर 20 रुपए से भी कम में मिलता था, लेकिन ये धीरे धीरे काफी ग्रो हुआ। 2023 तक हालांकि ये शेयर फिर भी 100 रुपए से ऊपर का भी क्रॉस नहीं किया। आरबीएनएल का स्टॉक्स लास्ट ईयर में 2023 के बाद 647 तक गया था और अभी 487 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या आपको आरबीएनएल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? लुकिंग एट द ग्रोथ की 20 रुपए का स्टॉक अभी भी 500 के अराउंड है और 650 तक जा चुका है। देखिए ये पूरा आपका डिसीजन है। यहाँ मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि शायद आपको हेल्प करे इस डिसीजन तक पहुंचने में। सबसे पहली बात, क्या आरबीएनएल की रेलवे की तरह एक मोनोपोली है? तो बिल्कुल नहीं। आरबीएनएल का काफी कॉम्पिटिशन है और इंडिया की बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जैसे एनएटी इसके साथ में कॉम्पीट करती है रेलवे प्रोजेक्ट्स की। इसके अलावा रेलवे की ही एक और सब्सिडियरी इनकॉन इंटरनेशनल, वो भी इसके अगेंस्ट कई बार कॉम्पिटिशन में रहती है। आरआईटीईएस एक और सब्सिडियरी रेलवे की जो ज्यादातर कंसल्टिंग का काम करती है, बट उसके अंदर भी वो कई प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेती है जो एक तरह से आरबीएनएल का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। और इसके अलावा जो इंडिया की दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स है जैसे कल्पतरू प्रोजेक्ट हो गई और भी दूसरी प्रोजेक्ट्स की कंपनी से छोटी बड़ी में भी इसके कॉम्पिटिशन में आती है। सो बेसिकली इट्स नेवर ए मोनोपोली। हालांकि कुछ बेनिफिट आरबीएनएल को है रेलवे की खुद की कंपनी होने में, जैसे कुछ बड़े लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स है वो डायरेक्टली अलॉट हो जाते हैं आरबीएनएल को विदाउट एनी बिडिंग या कॉम्पिटिशन। तो उस में इनका 25-30% जो रेलवे के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा आरबीएनएल में जाते रहते, तो एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जरूर है। लेकिन ये कह रहा कि वो भी ऐसा ही रहेगा आगे, आपको भी बताए कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, उसके अंदर फिर कंपनीज जो होती है चाहे वो रेलवे करना हो वो अपना प्रॉफिट देखती है, कहाँ पे कौन हमें कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ऑब्वियसली हमें बेटर डील्स बाहर से मिलेगी तो आरबीएनएल का बिजनेस कम होता जाएगा। एंड सिंस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी तो एक्सपेक्टेशन करना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बेटर हो, इसकी अग्रेसिवली ग्रोथ माइंडसेट हो, ये काफी मुश्किल है। तो ये कुछ पॉइंट है कॉम्पिटिशन को लेकर। तो हमारे दो पॉइंट मोनोपोली और कॉम्पिटिशन पे कवर हो गए। तीसरी बात करते हैं आरबीएनएल के वैल्यूएशन। तो आरबीएनएल का करंट वैल्यूएशन उसका पीबी देखे तो वो 70 के अराउंड है, उसका पीबी भी जो है वो 10+ है। वही कॉम्पिटिशन या इंडस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, बट अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को ले इसके पीएस ग्रुप में तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 4-5 का है पीबी में यानी प्राइस टू बुक में, और 30 से कम है प्राइस टू अर्निंग में। तो ऑब्वियसली ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक। अब ये तो हो गई आरबीएनएल के करंट फाइनेंशियल्स की बात, लेकिन हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करंट स्टेट को देखते नहीं बल्कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते करते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो हमें आरबीएनएल का सबसे बड़ा क्लाइंट देखना पड़ेगा, वो है इंडियन रेलवे। तो भारत सरकार का जो इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है वो इस बार अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जो कि 2,40,000 करोड़, लास्ट ईयर 1,40,000 करोड़ का था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है, और ऑब्वियसली इसका परसेंटेज कुछ आरबीएनएल को मिलेगा। तो ग्रोथ पॉइंट से द कंपनी खुद की हाँ इसका फ्यूचर शायद अच्छा हो सकता है, बट हम श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसकी बुक्स में ऐसा नहीं। तो अब बात करते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट की, जो कि है इसके करंट फाइनेंशियल रिजल्ट की, जो कि इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल है।
लेटेस्ट फाइनेंशियल की बात करें तो ऑल दो आरबीएनएल का पिछले 5 साल का जो रेवेन्यू और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, बट ये सीएजीआर को बहुत ट्रेमेंडियस नहीं था, 10 से 12% की ग्रोथ थी, तो ऐसी भी हाई ग्रोथ कंपनी हमें नहीं नजर आती। सेकेंड चीज जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो भी एक सिस्टमेटिक माध्यम से बढ़ रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होने के बाद भी लेटेस्ट क्वार्टर देखिए वो पिछले 5 क्वार्टर से खराब है। 5,000 करोड़ से कम फ्रैक्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है और इनका प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यह समझना होगा कि ओवरऑल करंटली कंपनी अच्छा नहीं कर रही और इसी वजह से इसका स्टॉक 650 से 480 तक। सारे सिग्नल से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी अभी सस्ती तो बिल्कुल नहीं है, इसका वैल्यूएशन चीप पर है, तो यहाँ पे कंपनी ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी है, बट देर आर मेनी चैलेंजेस, करंट नंबर्स वो ग्रोथ दिखा नहीं रहे हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसकी ग्रोथ स्टोरी को अच्छे से समझिए और उस हिसाब से डिसीजन लें। अगर आपको ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना नहीं आता है, वैल्यूएशन नहीं आता है, पर आपको चाहिए कोई रिसर्च एक्सपर्टीज, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लिंक है, तो हम आपको आरबीएनएल में सारे स्टॉक्स के प्राइस टारगेट और वैल्यूएशन समझाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी सर्विसेज लेने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।